राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का आज निधन हो गया है। शर्मा चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्हें शनिवार को जयपुर में SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उन्होंने आज सुबह 7:35 पर अंतिम सांस ली। वे वर्ष 2018 में सातवीं बार विधायक बने थे। शर्मा के निधन से कांग्रेस समेत चूरू जिले में शोक की लहर दौड़ गई। विधायक शर्मा ब्राह्मण समाज की राजनीति में भी खासा दखल रखते थे। शर्मा राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता थे। भंवरलाल शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी शोक व्यक्त करते हुए राजस्थान की राजनीति में इसे बड़ी क्षति बताया है। भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार सरदार शहर में ही किया जाएगा। उनके पुत्र अनिल शर्मा ने बताया कि अंतिम दर्शनों के लिए उनके वैशाली नगर स्थित आवास पर उनका पार्थिव देह रखा जाएगा, जहां पर राजनीतिक दलों के साथ साथ उनके समर्थक भी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सरदार शहर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके अंतिम संस्कार में गहलोत सरकार के कई मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। भंवरलाल शर्मा 15वीं विधानसभा के 5वें ऐसे सदस्य हैं जिनका निधन हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, गजेंद्र सिंह शक्तावत और BJP विधायक गौतम लाल मीणा का भी निधन हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज भंवरलाल शर्मा का निधन हुआ है, कांग्रेस को कहां तक क्षति पहुंची है? देखिए, निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूरी जीवन भर उन्होंने राजनीति के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से समाज की और प्रदेश की और पीड़ित मान्यता की सेवा की है। 7 बार विधायक रहना छोटी बात नहीं होती, पूरा जीवन उन्होंने लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है। ऐसे नेता का चले जाना हमारे सबके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के लिए पूरी क्षति है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। जी सर, शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंची है, क्या इसकी पूर्ति कभी हो पाएगी? बिल्कुल पूर्ति असंभव है। एक ऐसे नेता थे पंडित भंवरलाल शर्मा जी, जो सभी जातियों को साथ लेकर के चलते थे और उनकी जो बेबाक अपनी बात रखने की जो छवि थी वो बहुत ही शानदार थी। वो अपनी बात रखते थे चाहे किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर हो, चाहे समाज का प्लेटफार्म हो, चाहे वो राजनीति का प्लेटफार्म हो। मैं समझता हूँ कि लोगों के दुख में खड़े रहते थे और हमेशा उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत गरीबों के उत्थान के लिए काम किया और पीड़ित मानवता की सेवा में वो हमेशा अग्रणी रहते थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो। तो ऐसी एक 36 कौमों में लोकप्रियता की जो छवि थी उसका जो आज चले जाना, मतलब निश्चित रूप से हम सबको लिए बहुत बड़ी क्षति। जी सर, आज उनका अंतिम दर्शन है, अंतिम संस्कार है, उसमें कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं? मैं कल दाह संस्कार में सरदार सर जाऊंगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाऊंगा मैं। जी।